Dear students, NEET scholars and class 11th के students, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में 11th क्लास NCERT बायोलॉजी चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिली को डिस्कस करूँगा, है ना। आपके सिलेबस में फैमिली लेगुमिनेसी की सब फैमिली पेपुलिनेसी है, फैमिली लेगुमिनेसी की सब फैमिली पेपिलियोनेसी, फैमिली सोलेनेसी और एक मोनोकॉट फैमिली है फैमिली लिलिएसी। इन तीन फैमिली के अलावा फैमिली क्रूसीफेरी का फ्लोरल डायग्राम दिया है, लेकिन फैमिली को डिस्कस करने से पहले फैमिली की जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली में पूरे प्लांट का डिस्क्रिप्शन होता है, फ्लोरल फार्मूला होता है और फ्लोरल डायग्राम होता है। फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के लिए हम कुछ मार्क्स यूज़ करते हैं, कुछ कोड वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। तो पहले उनको समझना ज़रूरी है कि जो फैमिलीज़ में जो टर्म्स हैं उसके सिंबल कौन कौन से हैं, उन सिंबल्स को समझना ज़रूरी है। तो पहले हम यहाँ पे फैमिली की स्टडी करने से पहले, है ना, जो फैमिली में की जो टर्मिनोलॉजी है उसकी स्टडी करते हैं और फ्लोरल फार्मूला और फ्लोर डायग्राम के जो सिंबल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, है ना। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फ्लावर मेन करैक्टर है। फ्लावर इज़ ए रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट और फ्लावर पार्ट्स आर द मॉडिफाइड लीफ। फ्लावर में प्लांट के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन होते हैं। फ्लावर फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है। फ्लावर में ना, फ्लावर में जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं या फिर वो एसाइक्लिक फॉर्म में भी होते हैं। तो पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं फैमिली में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी को, ठीक है। पहले देखिए, ये मार्क, ये सिंबल जो है, ये सिंबल मेल फ्लावर का है, ठीक है, आप नोट करते रहें। ये सिंबल मेल फ्लावर और ये वाला सिंबल फीमेल फ्लावर का है, ठीक है। और इससे सिंबल जो है वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का, आप नोट करते रहें, मैं सिंबल बना रहा हूँ। ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है और ये हर्माफ्रोडाइट, है ना, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का है, ठीक है, आप नोट करें। ये सिंबल एक्टोमॉर्फिक फ्लावर का है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और ये वाला सिंबल जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, है ना, रेडियल सिमेट्री पर है और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बायलैटरल, मतलब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को हम किसी एक ही प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर करैक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली लेगुमिनेसी सब फैमिली पेपुलिनेसी का, जैसे पी प्लांट में। एक्टोमॉर्फिक फ्लावर, देखिए, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर फैमिली लेगुमिनेसी और सब फैमिली पेपुलिनेसी का करैक्टरिस्टिक फीचर है। एग्जाम्पल क्या है इसका,
पी प्लांट, कैजेनस कैजाना, कैजेनस कैजाना, ओके। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को किसी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके एग्जांपल लिख लें जो एनसीईआरटी में दिए हैं, मस्टर्ड है, धतूरा और चिली, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का जो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में वो नोट करें आप, जाइगोमॉर्फिक का है ना, पी प्लांट, गुलमोहर, पी प्लांट है, गुलमोहर है और बीन और केसिया, बीन और केसिया, ठीक है। तो एक्टोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं, जिस फ्लावर को हम किसी प्लेन से काटेंगे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वो एक्टिन हो गया। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन से हैं कि फ्लावर को एक ही प्लेन से काटने पे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो जैसे ये फ्लावर है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये मैंने फ्लावर बनाया, ठीक है, इसको किसी भी प्लेन से काटिए दो इक्वल पार्ट्स में आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये फ्लावर है, मान लो ये वाला है, ठीक है, इस फ्लावर को अगर हम इस तरह से इस प्लेन से काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में आएगा, और किसी तरह से भी दो इक्वल पार्ट्स में नहीं आएगा। तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हो गया, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कैलिक्स, के कैलिक्स कहते हैं सेपल के ग्रुप को, कैलिक्स कहते हैं सेपल के ग्रुप को, ठीक है। अगर सारे सेपल आपस में जुड़े होते हैं तो उसे हम गैमो कहते हैं, देखिए ब्रैकेट लगा देंगे तो गैमो बन जाएगा, गैमो सेपलस, तो इसको नाम देंगे गैमो सेपलस का, ठीक है। और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये कहलाएगा पॉली, पॉली सेपलस, तो इसको हम कहेंगे पॉली सेपलस, ठीक है। कोरोला, देखिए सी से कोरोला होता है, ये पेटल का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पेटल, अगर हमने सी ऐसी लिखा है ना, तो ये हो गया पॉली पेटलस, ये कहलाएगा पॉली पेटलस, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सी के आगे फाइव लिख दिया, इसका मतलब पेटल फाइव हैं, कोरोला, कोरोला में पेटल कितने हैं, फाइव हैं, लेकिन सारे पेटल अलग अलग हैं। और अगर हम इसको सी लिख के फाइव लिख के यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है गैमो, तो इसे कहेंगे हम गैमो पेटलस, ये कहलाएगा गैमो पेटलस, सारे पेटल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ए, ए कहते हैं एंड्रोशियम को, ये कहलाता है एंड्रोशियम, मतलब ग्रुप ऑफ स्टैमेन है ना, एंड्रोशियम क्या है, स्टैमेन का ग्रुप है, ये स्टैमेन का ग्रुप है। नेक्स्ट है गाइनेशियम, जी, जी से हम गाइनेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं, जी से गाइनेशियम को, ठीक है। अगर हम जी के नीचे आगे ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है सेन कार्पस, सारे कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जी के आगे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है, सिर्फ हमने जी ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब होता है ओवरी कैसी है, एपोकार्पस, एपोकार्पस ओवरी, इसे कहेंगे एपोकार्पस ओवरी, ठीक है। सेन कार्पस ओवरी का एग्जांपल क्या है, पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम। और एपोकार्पस ओवरी का एग्जांपल है ना मिकेलिया, एपोकार्पस ओवरी को हम का एग्जांपल है मिकेलिया, ठीक है। एपोकार्पस में लोटस भी आता है ना, तो एपोकार्पस ओवरी के एग्जांपल याद रखेंगे आप, मिकेलिया, ठीक है, लोटस एक्सेट्रा। सिनकार्पस में पेपावर सोमनीफेरम, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ये आपने नोट कर लिया, इसके बाद नोट कीजिए। देखिए सी से कोरोला हो गया, ए से एंड्रोशियम, अगर हम ऐसे निशान लगा देते हैं तो इसे कहते हैं एपीपेटलस, ये कहलाएगा एपीपेटलस, ये हो गया एपीपेटलस, ठीक है एपीपेटलस। और अगर हमने यहाँ पे पी लिख रखा है तो पी से होता है पेरियंथ, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम एपीफिलस, एपीफिलस, ये एपीफिलस कहलाएगा, ठीक है एपीफिलस। पेरियंथ कहते हैं ग्रुप ऑफ टेपस को, देखिए पेरियंथ, पेरियंथ मीन्स होता है ग्रुप ऑफ टेपल्स, ग्रुप ऑफ टेपल्स, टेपल उसे कहते हैं जब हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये पेटल है या सेपल है, तो उसको हम टेपल बोलते हैं, ठीक है, जब ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि ये पेटल है या सेपल है तो उसको हम जो बोलते हैं टेपल बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ टेपल को पेरियंथ कहते हैं, और पेरियंथ एंड्रोशियम के ऊपर अगर ऐसे निशान लगा दिया तो इसे कहते हैं एपीफिलस। और ये करैक्टर या करैक्टर नोट कर लें, एपीफिलस कंडीशन फाउंड इन फैमिली लिलिएसी, फाउंड इन फैमिली लिलिएसी। और एपीपेटलस जो आप फैमिली पढ़ते हैं इसका एग्जांपल लिख लें फैमिली सोलेनेसी, ठीक है ये एपीपेटलस कंडीशन फाउंड इन फैमिली सोलेनेसी, है ना, एपीपेटलस किस में पाया जाता है फैमिली सोलेनेसी में, और एपीफिलस कंडीशन फाउंड इन फैमिली लिलिएसी, है ना लिलिएसी मोनोकॉट फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जी से गाइनेशियम होता है, और ये ब्रैकेट जो लगाते हैं इसका मतलब होता है सिनकार्पस, मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब है सिनकार्पस। इसके अंदर हम जो भी नंबर लिखते हैं वो नंबर ऑफ कार्पेल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने 5 लिखा तो 5 नंबर ऑफ कार्पेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पेंटा कार्पलरी ओवरी है, ठीक है। अगर हम इसके नीचे लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, तो ये लाइन शो करती है कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, कि ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। हमने ये जी लिखा, ये ब्रैकेट लगाया, ऊपर लाइन खींच दी, तो इसका मतलब होता है कि ओवरी इन्फीरियर है, ओवरी कैसी है इन्फीरियर है। अगर हम साइड में लाइन खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है ना, तो ये शो करता है पेरिगाइनस को, ये शो करता है पेरिगाइनस, पेरिगाइनस ओवरी को ये शो करता है, ठीक है नोट करेंगे पेरिगाइनस ओवरी को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है तो उसको हम BR से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैक्टिएट, फ्लावर कैसा है ब्रैक्टिएट है, जैसे सब फैमिली पेपलिनेसी में है ना, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ब्रैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन उनकी एक्सिस में एक्सिलरी बड नहीं होती, है ना, देखिए फ्लावर के बेस पर अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन उसकी एक्सिस में एक्सिलरी बड नहीं है तो उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। तो फ्लावर अगर ब्रैक्टिएट है तो हम लिखेंगे BR, और अगर फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है ना तो हम लिखते हैं EBR, मतलब ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ये फ्लावर हो जाएगा ई ब्रैक्टिएट, ठीक है ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक। आप एग्जांपल नोट करें, है ना, पेरिगाइनस, पेरिगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस ओवरी का एग्जांपल है, पेरिगाइनस को हम हाफ इन्फीरियर भी कहते हैं, हाफ इन्फीरियर, है ना, तो प्लम रोज पीच, PPR, प्लम पीच रोज, ठीक है पेरिगाइनस फ्लावर, ठीक है सेमी इन्फीरियर ओवरी, एग्जांपल क्या है इसका, प्लम रोज पीच, दूसरा है इन्फीरियर ओवरी, है ना ये निशान था इन्फीरियर ओवरी का, ठीक है हमने इस ब्रैकेट के ऊपर ये निशान लगाया तो इन्फीरियर ओवरी है। इसका एग्जांपल लिख लें, गुआवा एंड कुकुम्बर, गुआवा और कुकुम्बर, और रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट में भी है ना इन्फीरियर ओवरी होती है, ठीक है डिसफ्लोरेट में भी इन्फीरियर ओवरी है,
एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है वो गुआवा का दिया है, कुकुम्बर का दिया है और रे फ्लोरेट का दिया है। रे फ्लोरेट फैमिली कंपोजिटी में पाए जाते हैं, ठीक है, फैमिली कंपोजिटी, जैसे सनफ्लावर है, मेरी गोल्ड है, तो रे फ्लोरेट में भी इन्फीरियर ओवरी है और डिस फ्लोरेट में भी इन्फीरियर ओवरी है। नेक्स्ट सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का एग्जाम्पल नोट करें आप, है ना, अगर आप यहाँ देखें तो ये ओवरी कौन सी है, सुपीरियर है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल नोट करें आप, मस्टर्ड मतलब ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक है, सोलेनम मेलेंजीना, सोलेनम मेलेंजीना, ब्रिंजल और चाइना रोज, ठीक है, ये मैंने सिंबल शो किए थे आपको जो हम फ्लोरल फार्मूले में यूज़ करते हैं, ये सारे सिंबल हमारे फ्लोरल फार्मूले में यूज़ होते हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो फ्लोरल फार्मूला लिखने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक फ्लोरल फार्मूला आपको लिख के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए फ्लावर है ना, नंबर ऑफ पेटल सेपल मतलब न्यूमेरिकल बेस पर फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक फ्लावर होते हैं ट्राइमीरस, ठीक है, जिनमें फ्लावर के पार्ट्स को है ना हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं, फ्लावर पार्ट्स को तीन से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं ट्राइमीरस, और दूसरे फ्लावर होते हैं पेंटामीरस, है ना, और इसी तरह से एक बीच में फ्लावर आते हैं उसे कहते हैं टेट्रामीरस, ठीक है, तो अगर फ्लावर पार्ट्स तीन से डिवाइड हो रहे हैं तो उसे कहते हैं ट्राइमीरस, जैसे सेपल थ्री है या सेपल सिक्स, सेपल थ्री या सेपल सिक्स, है ना, या पेटल थ्री या पेटल सिक्स, स्टैमेन थ्री या स्टैमेन सिक्स या नाइन, है ना, तो ये तीन से डिवाइड हो रहे हैं ना, थ्री कार्पल तीन से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर प्लांट के वो फ्लावर के पार्ट्स तीन से डिवाइड हो रहे हैं तो उसे हम ट्राइमीरस कहते हैं, और ट्राइमीरस फ्लावर मोनोकॉट होते हैं, ये ट्राइमीरस फ्लावर के एग्जाम्पल जो हैं वो मोनोकॉट है, जैसे फैमिली लिलियसी, फैमिली लिलियसी, ठीक, मोनोकॉट फैमिली है। पेंटामीरस फ्लावर पार्ट्स डिवाइड बाय फाइव, जैसे सेपल फाइव हैं या सेपल टेन है, पेटल फाइव, पेटल टेन, पेटल फिफ्टीन, जो पाँच से डिवाइड हो रहे हों तो पेंटामीरस, फ्लावर पार्ट डिवाइड बाय फाइव, पेंटामीरस, है ना, ये फ्लावर, इसके एग्जाम्पल हैं डाइकॉट प्लांट, इसके एग्जाम्पल हैं डाइकॉट फ्लावर या डाइकॉट प्लांट, ठीक है। टेट्रामीरस, टेट्रामीरस किसे कहते हैं, जिसमें फ्लावर पार्ट्स फोर से डिवाइड हो जाएं, जिसमें फ्लावर पार्ट्स फोर से डिवाइड हो रहे हैं वो टेट्रामीरस हैं, मतलब सेपल और पेटल चार से डिवाइड हो गए, ठीक है। टेट्रामीरस फ्लावर में आता है मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड आता है, और ये भी डाइकॉट को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करता है डाइकॉट को, तो टेट्रामीरस भी डाइकॉट में आता है, ठीक है। तो ट्राइमीरस, टेट्रामीरस, पेंटामीरस हो गए, ठीक है। ट्राइमीरस में फैमिली कौन सी थी, मैंने आपको बताया था अभी लिलियेसी, और पेंटामीरस में जो फैमिली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फैमिली सोलेनेसी और सब फैमिली पेपुलिनेसी, और टेट्रामीरस में हम स्टडी करेंगे फैमिली क्रूसीफेरी की या ब्रेसिकेसी की, ठीक है। ये फ्लावर को हमने पढ़ा न्यूमेरिकल बेस पर, ठीक है। एक्ट्रोमार्फिक जाइगोमार्फिक आप समझ गए ना अच्छी तरह से, एक्ट्रोमार्फिक फ्लावर होते हैं जिनको हम किसी प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है कैलिक्स, कैलिक्स जो है फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट होल है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है ना, सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, अगर सारे सेपल आपस में जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपल्स कहते हैं, अलग अलग हैं तो पॉलीसेपल्स कहते हैं, ठीक है। कोरोला, कोरोला जो है पेटल्स हैं, अगर सारे पेटल आपस में जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटल्स हैं, सारे पेटल अलग अलग हैं तो पॉलीपेटल्स हैं, ठीक है। गैमोपेटल्स का मतलब होता है यूनाइटेड पेटल, गैमोपेटल्स मीन्स यूनाइटेड पेटल, और पॉलीपेटल्स मीन्स पेटल्स फ्री, पेटल्स फ्री हैं, ठीक है।
पेटल और सेपल के अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन कहते हैं। पेटल और सेपल के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहते हैं। तो स्टडी करते हैं हम एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन है ना, एस्टिवेशन, ठीक है, मतलब पेटल्स और सेपल के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समझिए आप, यहाँ पे अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये सेपल है, इसको हम सेपल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ब्रैक्ट को भी शो करते हैं, ये ब्रैक्ट हो गया, और इस तरह से हम शो करते हैं पेटल को, ये पेटल हो गया, ठीक है, सेपल, ब्रैक्ट और ये पेटल है, ठीक है। मैं स्टैमेन को भी बता दूं आपको, अगर हम एंथर को ऐसे शो कर रहे हैं तो ये कहलाता है मोनोथीकस, ये है मोनोथीकस, और अगर हमने इसको ऐसे शो किया है तो ये कहलाता है डाइथीकस, ठीक है, कहलाएगा डाइथीकस, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने देखिए ऐसे बना दिया तो ये डाइथीकस कहलाता है, ये है डाइथीकस, ठीक है, डाइथीकस स्टेम है नहीं, एंथर, डाइथीकस एंथर, ठीक है। तो पहले हम स्टडी कर रहे हैं एस्टिवेशन की। सबसे पहले वॉलवेट एस्टिवेशन, देखिए वॉलवेट एस्टिवेशन, ये हमने क्या बनाया, सेपल, देखिए सब ये आमने सामने है, ये हो गया वॉलवेट एस्टिवेशन, ठीक है, ये कहलाएगा वॉलवेट एस्टिवेशन। देखिए एक बार और बनाते थे हम, ये तो मैंने सेपल दिखाया, वन और ये टू थ्री ये फोर और ये फाइव, ये एस्टिवेशन कैसा है, वॉलवेट, ठीक है, ये भी वॉलवेट है और ये भी क्या है, वॉलवेट है, ठीक है। अगर ये अलग अलग है इस कंडीशन में, देखिए अलग अलग है तो इसको हम कहते हैं पॉली, लेकिन इसको हम ऐसे जोड़ दें तो इसे कहते हैं गैमो, ठीक है। अगर हम पेटल को यूनाइट कर दें तो गैमो कहेंगे, गैमो पेटलस, इसे कहेंगे पॉली पेटलस, ठीक है। एस्टिवेशन कौन सा है, ये वॉलवेट, वॉलवेट एस्टिवेशन है, ठीक है, वॉलवेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, फैमिली मालवेसी में ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलता है, ठीक है, फैमिली मालवेसी में ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलता है। एग्जाम्पल है उसका चाइना रोज, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है उसका, चाइना रोज, ये हो गया ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है,
फैमिली मालवेसी, ठीक है। देखिए इसमें एक सिरा इसका ओवरलैप कर रहा है, ठीक, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। अब आता है वैक्सिलरी, वैक्सिलरी एस्टिमेशन, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिमेशन देखिए, एक होता है इसमें स्टैंडर्ड, योग्य स्टैंडर्ड, ठीक है। दो इसमें होते हैं विंग, यू गेट टू विंग्स, और फिर दो होते हैं इसमें कील, यू गेट कील। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1+2+2, ये कील है, ये विंग हो गया, और ये हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है। इसे कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिमेशन। नेक्स्ट देखिए इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन है ना। इम्ब्रिकेट में देखिए, ये मैंने सैपल बनाया, ठीक है, इसके दोनों सिरे बाहर और इसके दोनों सिरे अंदर। अब बाकी में क्या करेंगे हम, एक सिरा बाहर हो जाएगा और एक सिरा अंदर हो जाएगा। देखिए इसके दोनों सिरे अंदर है, इसके दोनों सिरे क्या करेंगे हम, बाहर करेंगे, ठीक है। और इसमें एक सिरा अंदर होगा और एक सिरा बाहर। देखिए इस वाले के दोनों सिरे ये बाहर हैं, इसके दोनों सिरे अंदर हैं, इसका एक सिरा बाहर एक सिरा अंदर है, ये सिरा अंदर है, ये सिरा बाहर है। तो इसे कहते हैं हम इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, और ये हमने शो किया है सेपल में, ये शो किया हमने सेपल में, ठीक है, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम शो करते हैं क्विनकेंशियल, क्विनकेंशियल में, क्विनकेंशियल, ठीक है, क्विनकेंशियल में या तो उसके दोनों सिरे अंदर होते हैं या उसके दोनों सिरे बाहर होते हैं और सिर्फ एक उसमें आता है। देखिए ये पेटल है, ठीक है, इसके दोनों सिरे बाहर, दोनों सिरे अंदर। देखिए दोनों सिरे बाहर हैं, इसके दोनों सिरे अंदर हैं, इसके दोनों सिरे बाहर, और एक जो बचा उसका एक सिरा अंदर होगा और एक सिरा बाहर होगा। देखिए ये बनाया हमने कौन सा है, क्विनकेंशियल, ठीक है, ये हो गया क्विनकेंशियल। क्विनकेंशियल कंडीशन मिलती है फैमिली कुकुरबिटेसी में, क्विनकेंशियल किस मिलती है, फैमिली कुकुरबिटेसी में, फैमिली कुकुरबिटेसी में मिलती है कंडीशन। इम्ब्रिकेट भी उसी में मिलता है। एक बार इसे आप बिल्कुल गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वाल्वेट में सबके सिरे आमने सामने हैं, ठीक है, इसे आप सामने से देखें और एग्जाम्पल नोट करें। एस्टिमेशन देखिए वाल्वेट में, देखिए है ना, आपकी स्क्रीन पे क्या है, वाल्वेट है इसमें, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया सेपल है, वाल्वेट एस्टिमेशन है, ठीक है। इनमें सबके सिरे आमने सामने हैं, देखिए है ना, कोई भी दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर ये अलग अलग है तो पॉली कहलाता है, तो पॉली सेपलस, वाल्वेट एस्टिमेशन पॉली सेपलस, ठीक है। और इसमें देखिए ये मैंने ये जोड़ा है तो यूनाइटेड है, तो गैमो पेटलस वाल्वेट एस्टिमेशन, और ये पॉली पेटलस कहलाएगा, एस्टिमेशन कौन सा होगा, वाल्वेट। तो जैसे ये बना हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली सेपलस है ना, पॉली सेपलस वाल्वेट एस्टिमेशन ये बना हुआ है, और ये वाली कंडीशन है तो पॉली पेटलस है ना, पॉली पेटलस वाल्वेट एस्टिमेशन, और ये कंडीशन है तो पॉली पेटलस
सॉरी गैमोपेटलस वॉल्वेट कंडीशन, इस वाली कंडीशन बोलेंगे हम गैमोपेटलस वॉल्वेट एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल लेंगे वॉल्वेट का, कैलेट्रोपिस, कैलेट्रोपिस। नेक्स्ट देखिए ट्विस्टेड में, ट्विस्टेड का एग्जांपल लेंगे चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। ट्विस्टेड का एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, फैमिली मालवेसी। उसके बाद देखिए वैक्सिलरी में एक स्टैंडर्ड है, दो विंग हैं, दो कील हैं, 1+2+2, लास्ट वाले 2 को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जांपल लिखें, फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनेसी है, सब फैमिली पेपलिनेसी। ठीक है, एग्जांपल लिख लें इसका पी प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसका पी प्लांट, बीन फ्लावर, BEN, बीन फ्लावर। नेक्स्ट है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, है ना, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एग्जांपल लिखें केसिया एंड गुलमोहर, केसिया एंड गुलमोहर। ठीक है, केसिया CASSIA एंड गुलमोहर GULMOHUR, गुलमोहर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्विनकेंशियल, क्विनकेंशियल का देखिए जो रेड से बना रखा है जिसमें लिखा मैंने फैमिली कुकुरबिटेसी, तो क्विनकेंशियल पाया जाता है फैमिली कुकुरबिटेसी में, फैमिली कुकुरबिटेसी में। और उसके ऊपर है इम्ब्रिकेट, तो इम्ब्रिकेट, ठीक है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फैमिली कुकुरबिटेसी में मिलता है। ठीक है, इम्ब्रिकेट का मैं एग्जांपल लिखवा चुका हूँ आपको, केसिया एंड गुलमोहर। नेक्स्ट टॉपिक है एंड्रोशियम, एस्टिवेशन के बाद। हाँ, फ्लावर हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जब फ्लावर को हम एक ही प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। दूसरा पढ़ा था एक्टोमॉर्फिक फ्लावर, एक छूट गया था, एसिमेट्रिकल फ्लावर, है ना, जो फ्लावर इरेगुलर होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, उसको किसी भी प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। उसका एग्जाम्पल है कैना, CANNA, नोट करें कैना। ठीक है, मतलब फ्लावर को किसी प्लेन से हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या कहलाता है, कैना। एग्जाम्पल क्या उसका, कैना, एसिमेट्रिकल फ्लावर, कैना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम किसे कहते हैं, स्टैमेन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। स्टैमेन, स्टैमेन मीन्स मेल सेक्स ऑर्गेन, फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गेन को स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, स्टैमेन का जो थ्रेड लाइक पार्ट होता है उसे फिलामेंट बोलते हैं, और उसका जो हेड होता है थोड़ा सा स्वेल होता है जिसे हम एंथर बोलते हैं, और एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है और उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, अगर स्टैमेन स्टेराइल है तो उसे स्टेमिनोड बोलते हैं, स्टेमिनोड मीन्स स्टेराइल स्टैमेन, स्टेमिनोड मीन्स स्टेराइल स्टैमेन। इपीपेटलस, अगर स्टैमेन पेटल से जुड़ा हुआ है तो इपीपेटलस, मैं उसका सिंबल बता चुका हूँ आपको। इपीफिलस, अगर स्टैमेन है ना टेपल से जुड़ा हुआ है तो उसे हम इपीफिलस कहते हैं। अगर सारे स्टैमेन एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम मोनोडल्फस कहते हैं, और मोनोडल्फस कंडीशन पाई जाती है फैमिली मालवेसी में, फैमिली मालवेसी, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, है ना। देखिए, अगर सारे स्टैमेन एक ग्रुप में हैं तो उसे कहते हैं मोनोडल्फस। ठीक है, नेक्स्ट है डाइडल्फस, अगर स्टैमेन दो ग्रुप में हैं, है ना, तो उसे कहते हैं डाइडल्फस, सब फैमिली पेपुलिनेसी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीडल्फस, अगर स्टैमेन के ग्रुप की संख्या दो से ज़्यादा है तो उसे कहते हैं पॉलीडल्फस, है ना, प्लांट जैसे सिट्रस प्लांट है, है ना, पॉलीडल्फस जिसमें स्टैमेन के ग्रुप की संख्या दो से ज़्यादा है। और पॉलीएंड्रस, जब सारे स्टैमेन अलग अलग हैं कोई ग्रुप में नहीं है तो पॉलीएंड्रस होता है, जैसे फैमिली क्रूसीफेरी में। लेकिन अगर मान लीजिए स्टैमेन दो सर्किल में, दो होल में हैं, आउटर होल में 2 और इनर होल में 4,
तो उसे कहते हैं टेट्राडाइनेमस फैमिली क्रूसीफेरी, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, ठीक है। तो नोट करें, पहले आप नोट कर लें फिर मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा पहले डायग्राम बना देता हूँ, फिर आप डायग्राम बनाते रहिएगा और उसे नोट कर लीजिएगा। पहला क्या था, स्टेराइल स्टैमेन। अगर स्टेराइल स्टैमेन है ना, स्टेराइल स्टैमेन है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमिनोड कहते हैं, उसको हम स्टेमिनोड कहते हैं, ठीक है। अब आता है पहले मोनोडल्फस, ठीक है। तो देखिए मोनोडल्फस में ये डायग्राम आपने 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, उसमें पेंटाफेड एग्जाम्पल आता है, पेंटाफेड स्टिग्मा है ना। फैमिली मालवेसी में जो स्टिग्मा होता है वो पेंटाफेड होता है। देखिए ये पेंटाफेड स्टिग्मा है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसे पेंटाफेड स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। ये ओवरी है और इसके ऊपर ये स्टेमिनल ट्यूब है, देखिए ये स्टेमिनल ट्यूब है, ठीक है, स्टेमिनल ट्यूब होगी। और यहाँ पे क्या लगे हमें, ये मोनोथीकस, ये मोनोथीकस एक्सट्रोज स्टेमन लगे हुए हैं, और ये कहलाता है मोनोडल्फस, ये मोनोडल्फस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, चाइना रोज, ठीक है। देखिए क्या एंथर है सब, ठीक है, ये सब एंथर हैं, एंथर, ठीक है। ये स्टेमिनल ट्यूब है, ये पेंटाफेड स्टिग्मा है, स्टिग्मा पेंटाफेड। तो मोनोडल्फस क्या कंडीशन कहलाएगी, ये मोनोडल्फस, ठीक है। अब देखिए डाइडल्फस, डाइडल्फस में एक स्टैमेन तो अलग होता है और बाकी 9 स्टैमेन एक साथ इसमें जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, देखिए ये तो हो गया एक अकेला और ये 9 है, तो ये 1 प्लस 9, ये डाइडल्फस हो गया, ठीक है। ये कंडीशन कहलाएगी डाइडल्फस, और सब फैमिली कौन सी है, पेपलिनेसी। तीसरा देखिए पॉलीडल्फस, पॉलीडल्फस में क्या है कि इसमें कई ग्रुप हैं, देखिए एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है, अगर कई ग्रुप होते हैं तो इसे कहते हैं पॉलीडल्फस, ये पॉलीडल्फस कहलाएगा, है ना। सिट्रस वगैरह में होता है ये, सिट्रस में, है ना, पॉलीडल्फस। तो मोनोडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीडल्फस, है ना, ये मोनो है फिर डाई फिर पॉली। फिर आता है इसमें ये पॉलीडल्फस है ना, पॉलीएंड्रस, देखिए सारे स्टेमेन जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है। और फिर टेट्राडाइनेमस, देखिए ये जो बना रहा हूँ ये कौन सा है, टेट्राडाइनेमस। इसमें देखिए आउटर होल में 2 हैं और इनर होल में 4 हैं, ठीक है। देखिए आउटर होल ये और इनर होल में 4, इसको हम शो करते हैं 2 प्लस 4, है ना, इसके 2 प्लस 4, देखिए आउटर होल ये हो गया, इनर होल ये हो गया, है ना। ये कौन सा होल है, ये कहलाएगा इसका आउटर होल, और ये जो वाला है ये कौन सा है, इनर होल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टेट्राडाइनेमस, इसको बोलते हैं हम टेट्रा डायनेमस। फैमिली कौन सी है, क्रूसीफेरी, ठीक है, नोट कर लें आप। पहला क्या था, मोनोडल्फस, मोनोडल्फस उसका एग्जांपल नोट कर लिया था हमने, चाइना रोज, ठीक है। फिर डाइडल्फस का एग्जांपल नोट करें, पी प्लांट, सब फैमिली पेपुलिनेसी। पॉलीडल्फस का एग्जांपल नोट किया था आपने, सिट्रस, ओके। और टेट्रा डायनेमस का एग्जांपल है फैमिली क्रूसीफेरी और ब्रेसिका, ठीक है, ब्रेसिका। नेक्स्ट है ये आपने पढ़ा था एंड्रोशियम, अब हम पढ़ते हैं है ना गाइनेशियम, आप पढ़ चुके हैं एपोकार्पस
सिन कार्पस। अगर सारे कार्पल अलग अलग हैं तो एपोकार्पस कहते हैं उसको हम, है ना। एपोकार्पस ओवरी का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, मेकेलिया है, रोज है और लोटस है। सिन कार्पस का एग्जाम्पल, जब सारे कार्पल आपस में यूनाइट होते हैं तो सिन कार्पस कहते हैं उसे, है ना। उसका एग्जाम्पल है, बहुत से हैं, पॉपी है ना, सोलेनम निग्रम है, ब्रेसिका है, इस सब क्या हैं, सिन कार्पस है, ठीक है। लेडी फिंगर है, सिन कार्पस, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो पहला प्लेसेंटेशन है मार्जिनल, ठीक है। मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ आपको, फिर आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में, है ना, वेंट्रल सूचर पर, है ना, प्लेसेंटल रिज होती है जिस पर ओव्यूल दो रो में लगे होते हैं। ओव्यूल देखिए दो रोज में लगे होते हैं, ठीक है। इनमें ओव्यूल दो रो में लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये हो गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये इसकी कार्पेल है और ये क्या है, इसका ओव्यूल। ओव्यूल आगे चल के सीड बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और कार्पेल से आगे चल के बन जाती है पेरिकार्प फर्टिलाइजेशन के बाद। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद कार्पेल पेरिकार्प में डेवलप हो जाएगा और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाएगा। ओव्यूल किस में डेवलप होगा, सीड में, और कार्पेल किस में डेवलप होगा, पेरिकार्प में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कौन सा पढ़ा आपने सर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पढ़ा। इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए, मार्जिनल प्लेसेंटेशन फाउंड इन सब फैमिली पेपिलिनेसी, ठीक है, फैमिली पेपिलिनेसी। प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलॉन्ग विद द वेंट्रल सूचर। प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलॉन्ग विद द वेंट्रल सूचर ऑफ ए ओवरी, और इसमें ओव्यूल है ना दो रो में लगे होते हैं, टू रोज में। जब देखा उन्हें मटर की फली जब ऐसे फट जाती है ना, तो आधे सीध इधर आते हैं, आधे सीध इधर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाइल प्रेजेंटेशन। एग्जाइल देखिए, एग्जाइल प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये बीच में एक्सिस है और एक्सिस और कार्पेल के बीच में सेप्टम पाया जाता है, ठीक है। और बीच में ही क्या लगे होते हैं, ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ठीक है। देखिए मैं समझिए, आप ये कार्पेल है, कार्पेल फर्टिलाइजेशन के बाद बदल जाता है किसमें, पेरिकार्प में। ये लोक्यूल है और इसे हम बोलते हैं ओव्यूल, और इसको बोलते हैं हम सेप्टम, ठीक है। और ये हो गया एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, एक्सिस है। प्लेसेंटेशन कौन सा हो गया, एक्साइल, ये हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। दूसरा देखें फ्री सेंट्रल। देखिए फ्री सेंट्रल में ये बीच में एक्सिस है ना, और ये क्या लगा हुआ है, ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल हो गया। देखिए डायंथस और प्राइम रोज इसका एग्जांपल है, डायंथस और प्राइम रोज, ये फ्री सेंट्रल है, ये प्रेजेंटेशन कौन सा है, फ्री सेंट्रल, ठीक है। ये लोक्यूल है, ये कार्पेल और ये ओव्यूल, क्या नाम है इसका, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। ये हो गया फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है पैराइटल प्रेजेंटेशन। देखिए मैं भी इसके बारे में आपको लिखवाऊंगा, पहले आप बना लीजिए। पैराइटल है ना, ओवरी के इनर सरफेस पर लगे होते हैं या पेरीफेरी पर ओव्यूल लगे होते हैं, पेरीफेरी पर ओव्यूल लगे होते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन बाद क्या बनाते हैं, सीड, ओके। और ओवरी से फर्टिलाइजेशन बाद बन जाता है फ्रूट,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ये पैराइटल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और पैराइटल क्रूसीफेरी में भी पाया जाता है। देखिए पहले क्रूसीफेरी में इस तरह प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ओव्यूल लगे हुए, ठीक है। बाद में क्या होता है इसमें ना, एक सेप्टम डेवलप हो जाता है बीच में, देखिए यहाँ पे ये, क्योंकि बाद में डेवलप होता है जिसे कहते हैं फाल्स सेप्टम, इसको बोलते हैं फाल्स सेप्टम, या इसको नाम देते हैं हम रेप्लम का, इसको नाम देते हैं रेप्लम का। देखिए फोकस कर रखा है आपको, ध्यान दीजिए आप इसको, है ना। प्रेजेंटेशन कौन सा था, ये पैराइटल, पैराइटल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मैंने दिखाया फैमिली क्रूसीफेरी का, और ये फैमिली कुकुरबिटेसी का है। इसके बाद आता है बेसल प्रेजेंटेशन। देखिए बेसल, जब ओव्यूल ओवरी के बेस से लगा होता है, ओव्यूल ओवरी के बेस से लगा हुआ है तो उसे कहते हैं बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसे कहते हैं बेसल प्रेजेंटेशन। देखिए ये ओव्यूल है, ठीक है, और बेस से लगा हुआ है। बेसल प्रेजेंटेशन फाउंड इन फैमिली कंपोजिटी, दूसरा नाम इसका क्या, एस्टेरेसी, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन सी है, फैमिली कंपोजिटी या एस्टेरेसी, उसमें प्रेजेंटेशन कौन सा है, बेसल ओव्यूल, है ना, ओवरी के बेस से लगा होता है। अब इसको एक बार हम फोकस कर रहे हैं और इसके आप नाम भी नोट करते रहिए। सबसे पहले है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक, मार्जिनल प्रेजेंटेशन ये मिलता है आपको सब फैमिली पेपलिनेसी में, पेपलिनेसी में प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज, रिज आर आई डी जी ई, रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, ठीक है। एंड ओव्यूल, एंड ओव्यूल आर, एंड ओव्यूल डेवलप ऑन दिस रिज, एंड ओव्यूल डेवलप ऑन दिस रिज इन टू रोज, इसमें ओव्यूल दो रो में लगे होते हैं, ओके, मार्जिनल प्रेजेंटेशन हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, पी, पी प्लांट। नेक्स्ट है एग्जाइल प्रेजेंटेशन, एग्जाइल प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल लिखे हैं चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। उसके बाद आता है पैराइटल प्रेजेंटेशन, पैराइटल प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल लिखे हैं मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, मस्टर्ड आर्जीमोन, ठीक है। पैराइटल फैमिली कुकुरबिटेसी में पाया जाता है, फैमिली कुकुरबिटेसी में भी पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। तो पैराइटल प्रेजेंटेशन फाउंड इन फैमिली कुकुरबिटेसी एंड, देखिए फैमिली कुकुरबिटेसी और फैमिली ब्रेसिकेसी दोनों में पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, ये वाला देखिए, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन फाउंड इन डायंथस एंड प्राइम रोज। इसमें सेप्टम नहीं होता है, ये नीट में क्वेश्चन आया था कि फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन किसे पाया जाता है, डायंथस और प्राइम रोज पाया जाता है। बेसल प्रेजेंटेशन, बेसल प्रेजेंटेशन जो होता है वो ओवरी के बेस पर होता है और इसमें केवल एक ओव्यूल होता है। फैमिली है इसकी, है ना, फैमिली है इसकी कंपोजिटी या एस्टेरेसी, और इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मेरी गोल्ड। सनफ्लावर है, मेरी गोल्ड है, टेजिटस इरेक्टस है, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, है ना, बेसल प्रेजेंटेशन के, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन हो गया। अब आप देखिए फ्लोरल फार्मूले के जो सिंबल थे पहले पढ़ चुके हैं, और जो फ्लोरल डायग्राम है उसके भी सिंबल आप पढ़ चुके हैं। फ्लोरल डायग्राम में देखिए ब्रैक आता है, वो आप बता चुका हम कैसे बनते हैं। एस्टिवेशन आता है, वो पढ़ चुके हैं आप। एंड्रोशियम और ओवरी का प्रेजेंट, एंड्रोशियम का भी अरेंजमेंट पढ़ चुके, ओव्यूल का अरेंजमेंट पढ़ चुके, प्रेजेंटेशन पढ़ चुके। तो अब मैं आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोर फार्मूला लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में तीनों फैमिली की स्टडी करेंगे, है ना। वो कौन कौन सी हैं बताइए, फैमिली लिलिएसी, सोलेनेसी और फैमिली लेगुमिनेसी की हम पढ़ते हैं, सब फैमिली पेपलिनेसी, ठीक है। तो पहले हम फ्लोरल फार्मूला, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिख, देखो
मैं फ्लोरो फार्मूला कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ आपको, है ना। तो आइए मेरे साथ फ्लोरो फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। फ्लोरो फार्मूला में एक तरह से देखा ना, पूरे फ्लावर का डिस्क्रिप्शन होता है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि फ्लावर ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है, इन दो में से एक बात लिखे थे कि फ्लावर या तो ब्रैक्टिएट होगा या ई ब्रैक्टिएट होगा। हम या तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, ठीक है, फ्लावर ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट। उसके बाद देखिए फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है ना, एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर को किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब फ्लावर रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है ना। जैसे फैमिली क्रूसीफेरी, फैमिली मालवेसी, फैमिली लिलियसी, फैमिली कंपोजिटी, कंपोजिटी का डिसफ्लोरेट रेफ्लोरेट नहीं, फैमिली कंपोजिटी का डिसफ्लोरेट रेफ्लोरेट नहीं, ठीक है। फिर यह फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मानिए फ्लावर को किसी एक ही प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जाम्पल रेफ्लोरेट, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सब फैमिली पेपुलिनेसी, हाँ फेबेसी भी कहते हैं, फेबेसी या पेपुलिनेसी। इसके बाद हम लिखते हैं फ्लावर बाईसेक्सुअल हैं, या तो बाईसेक्सुअल होगा या फिर ये मेल हैं, या तो मेल लिखेंगे हम, और अगर मेल नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, फीमेल। इन दो में से कोई एक निशान बनाएं, देखिए दोनों नहीं बनाएंगे ये, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। हालांकि जो आपके कोर्स में फैमिली हैं वो बाईसेक्सुअल हैं, ये है ही नहीं, क्योंकि तीन फैमिली हैं, तीनों फैमिली कैसी हैं, बाईसेक्सुअल हैं, याली है ही नहीं आपके कोर्स में। ये फैमिली उसमें है, उसमें कुकुरबिटेसी में, कुकुरबिटेसी में मेल और फीमेल फ्लावर होता है, फैमिली कुकुरबिटेसी, जिसका फ्रूट है पीपो, कुकुरबिटा मैक्सिमा है ना, लौकी कद्दू जिसमें आते हैं। नेक्स्ट सेपल, देखिए सेपल में हम लिखते हैं कैलिक्स, देखिए है ना, सेपल फाइव, गैमो हैं, गैमो माने जुड़े हुए, तो ब्रैकेट लगा देंगे, या लिखेंगे कैलिक्स फाइव। अगर हमने फाइव लिखा और ब्रैकेट नहीं लगाया तो पॉली हो गया, पॉली। ये पॉली पेटलस शो कर रहा है, ये गैमो को शो कर रहा है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैलिक्स सेपल फाइव गैमो सेपलस, इसे पढ़ेंगे कैलिक्स सेपल फाइव पॉली सेपलस, ठीक है। फिर आता है कोरोला, कोरोला में हम लिखा फाइव पेटल फाइव गैमो पेटलस है ना, और इसमें हम क्या लिखेंगे, कोरोला पेटल फाइव पॉलीपेटलस। अगर फ्लावर ट्राइमीरस है तो यहाँ तीन लिख देंगे, ये तो नंबर ऑफ पेटल और सेपल पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे हम, ठीक है। एंड्रोशियम, ठीक है, देखें एंड्रोशियम में हम लिखेंगे ए। अब यहाँ पे जितने भी एंड्रोशियम संख्या वो लिख देंगे, मान लीजिए फाइव है तो फाइव हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ और संख्या है, सपोज करो वन प्लस नाइन है तो वन प्लस नाइन लिख दिया हमने, ग्रुप में है तो ग्रुप में लिख दिया, डाइड अल्फस हो गया। अगर हम इसके ऊपर ये लगा देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये निशान होता है एपीपेटलस का, ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये निशान किसका है, एपीपेटलस, ये निशान किसका है, एपीपेटलस का, स्टैमेन फाइव एपीपेटलस। फिर आता है गाइनेशियम, देखिए गाइनेशियम में हम जी लिखते हैं। अब जितने कार्पेल होते हैं उसकी संख्या लिख देते हैं हम, अगर मान लीजिए पांच कार्पेल है तो पांच, या पांच से ज़्यादा हैं या दो हैं तो दो लिख दिया हमने। सिन कार्पस है तो ब्रैकेट लगाते हैं, अगर सिन कार्पस नहीं होता है तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ओवरी अगर सुपीरियर है तो नीचे लाइन खींचते हैं, अगर इन्फीरियर है तो ऊपर लाइन खींचते हैं, ठीक है। अगर ओवरी एपोकार्पस है तो देखिए फिर हम ऐसे लिखेंगे इसको, मैं अलग से लाइन खींच बता रहा हूँ, जी वन, ये एपोकार्पस शो कर रहा है। इधर देखिए आप, ये क्या है, एपोकार्पस, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो एपोकार्पस, ये है सिन कार्पस, ये एपोकार्पस, ये क्या है सिन कार्पस, ये क्या है एपोकार्पस, ओके। अब जब मैं फ्लोरल फार्मूला पढ़ता हूँ आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए, फ्लावर ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक बाईसेक्सुअल कैलिक्स सेपल फाइव गैमोसेपलस कोरोला पेटल फाइव गैमोपेटलस एंड्रोशियम स्टैमेन फाइव एपीपेटलस गाइनेशियम पेंटाकार्पलरी सिन कार्पस ओवरी सुपीरियर। आपके मैं स्लो पढ़ता हूँ, ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक बाईसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट,
कैलिक्स, सेपल फाइव, गैमोसेपलस, सेपल फाइव, गैमोसेपलस, कोरोला, पेटल्स फाइव, गैमोपेटलस, एंड्रोशियम, स्टेमेन फाइव, इपीपेटलस, इपीपेटलस, गाइनेशियम, पेंटाकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर। फिर सुनिए, गाइनेशियम, पेंटाकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर। इसमें दिए ई ब्रैकेट, क्या है ई ब्रैकेट, जाइगोमार्फिक, स्टेमिनेट, अगर मेल है तो क्या बोलेंगे स्टेमिनेट, फीमेल है तो पिस्टिलेट, कैलिक्स, सेपल फाइव, पॉलीसेपलस, कोरोला, पेटल फाइव, पॉलीपेटलस, एंड्रोशियम, डायडल्फस, 1+9, गाइनेशियम, बायकार्पलरी, सेनकार्पस, इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे गाइनेशियम, एपोकार्पस, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, अगर इन्फीरियर ओवरी होती है तो फ्लावर इपिगाइनस है, और अगर सुपीरियर ओवरी है तो फ्लावर हाइपोगाइनस है। ठीक है, इपिगाइनस और हाइपोगाइनस, अगर फ्लावर में ओवरी इन्फीरियर है तो इपिगाइनस और सुपीरियर है तो हाइपोगाइनस। ये समझ में आ गया ना आपको, एक बार पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। फ्लावर ब्रैकेट, एक्टोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, सेपल फाइव, गैमोसेपलस, कोरोला, पेटल फाइव, गैमोपेटलस, एंड्रोशियम, स्टेमेन फाइव, इपीपेटलस, गाइनेशियम, पेंटाकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर। ओके, आप पढ़िए, आप पढ़ें, आप तो टक गए, फिर से पढ़िए। ब्रैकेट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, सेपल फाइव, गैमोसेपलस, कोरोला, पेटल फाइव, गैमोपेटलस, एंड्रोशियम, स्टेमेन फाइव, इपीपेटलस, गाइनेशियम, पेंटाकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर। ओके, अब मैं फ्लोरल डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, एक है ना, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं मदर एक्सिस। देखिए, मदर एक्सिस मैंने प्लस का निशान बनाया, इसका मतलब फ्लावर एक्टोमार्फिक है। ये मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस फ्लावर की पोजीशन को इंडिकेट करती है, कि फ्लावर और ब्रांच की क्या आपस में रिलेशन है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, फ्लावर के पेटल्स और ब्रांच के साथ क्या उसका रिलेशन है। ठीक है, कि वो एंटी है या उसके पैरेलल है। तो ये मदर एक्सिस हो गई। मदर एक्सिस में देखिए मैंने एक्टोमार्फिक निशान बनाया प्लस का, इसका मतलब फ्लावर कैसा है, एक्टोमार्फिक है। ठीक है, सबसे बाहर हम क्या बनाते हैं, सेपल। सबसे बाहर हम सेपल बनाते हैं, देखिए ये सेपल बना, पहला सेपल। ठीक है, ये हमने दूसरा सेपल, ये हमने तीसरा सेपल, ये फोर्थ, और ये हो गया हमारा फिफ्थ। ठीक है, ये है सेपल। अब देखिए सारे सेपल अलग अलग हैं, अगर इसको मैं से जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, ये गैमो, तो इसको हम गैमो बोलेंगे, गैमो सेपलस। और ये अगर अलग अलग है, जैसे ये अलग है, देखिए यहाँ पे ये कैसा है, अलग है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉली सेपलस। ये पॉली सेपलस कहलाएगा, ये कहलाएगा गैमो सेपलस, ये कहलाया पॉली सेपलस। ओके, और है क्या ये सेपल, ये सिंबल किसका है, सेपल का। सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। अब हम बनाते हैं पेटल, देखिए अब अगर हम पेटल ऐसे बना रहे तो एंटी सेपलस हो गया, देखिए ना, ये हो गया एंटी सेपलस, ये हो गया एंटी सेपलस। ठीक है, एंटी सेपलस ये हमने पेटल बनाए। अगर सारे पेटल ओपन एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, पॉली, ये पॉली कंडीशन कहलाएगी, पॉली पेटलस। और इसको मैं से जोड़ देते हैं तो गैमो, तो ये गैमो कहलाएगी। ओके, गैमो। सेंटर में क्या होती है, ओवरी, ये मैंने ओवरी का सर्किल खींचा है। ठीक है, अब हम बनाते हैं पहले एंथर। देखिए हमने अगर एंथर ऐसे बना दिए, ये हो गया देखिए डाइथीकस एंट्रोज, ये डाइथीकस एंट्रोज है। ठीक है,
ये कैसा है, डाइथीकस एंट्रोज, इसे नोट कर लीजिएगा आप, ये डाइथीकस एंट्रोज बनाया मैंने, ठीक है, डाइथीकस एंट्रोज, और ये निशान है एपिपेटलस का, ये निशान किसका है, एपिपेटलस, ये मार्क जो बना रहे हैं हम, ये है एपिपेटलस का, ठीक है। अगर हम स्टैमेन ऐसे बना देते हैं, देखो ऐसे करके, ये निशान किसको क्या, एपिपेटलस, ठीक है, एपिपेटलस। अब ये निशान किसका है, मोनोथीकस एक्स्ट्रोज, इसे हम लिखेंगे मोनोथीकस एक्स्ट्रोज, मोनोथीकस है ना एक्स्ट्रोज, ये निशान किसका है, मोनोथीकस एक्स्ट्रोज का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने देखो ऐसे बनाया ये ऐसे करके, तो ये है डाइथीकस एंट्रोज, नोट कर लें डाइथीकस एंट्रोज, ठीक है, डाइथीकस एंट्रोज, ये गैम हो गया स्टैमेन डाइथीकस एंट्रोज, क्या ये डाइथीकस एंट्रोज एपिपेटलस। ओवरी मारिए, ये क्या है सेप्टम, ठीक है, ये हो गई एक्सिस, और इस पर क्या लगे हुए, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल लगे हुए, ठीक है, ये ओवरी का निशान है। अब हमें ब्रैक्ट बनाना, देखिए ब्रैक्ट रह गया ना, तो ब्रैक्ट हम लास्ट बनाते हैं बिल्कुल यहाँ पे, ये क्या है, अगर फ्लावर ब्रैक्टेट है तो ये ब्रैक्ट बना दिया, ये फ्लावर अगर ब्रैक्टेट है तो क्या है, ये ब्रैक्ट हो गया, तो इसका नाम क्या है ब्रैक्टेट। अगर ब्रैक्ट नहीं बनाया तो ई ब्रैक्टेट, ठीक है। ये जो मैंने सर्किल करवाई क्या बताइए, ओवरी, ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी लॉक्यूल, ये क्या है कार्पेल ओव्यूल, ठीक, फिर से पास में लीजिए, फ्लोरल डायग्राम है मदर एक्सिस, ये क्या है सेपल, अगर सेपल अलग अलग हैं तो पॉलीसेपलस, आपस में जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपलस, है ना, पॉलीसेपलस गैमोसेपलस। एस्टिबेशन कौन सा इसमें है, वाल्वेट, गुड। ये पेटल, अगर पेटल अलग अलग हैं तो पॉलीपेटलस, पेटल आपस में जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटलस, है ना, ओके। ये एस्टिबेशन कौन सा है, वाल्वेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंथर, ये डाइथीकस है, और ऐसे बनाते हैं मोनोथीकस, ये मोनोथीकस एक्स्ट्रोज है, ये डाइथीकस इंट्रोज है, डाइथीकस इंट्रोज, ये डाइथीकस इंट्रोज है, देखिए अंदर से खुला हुआ है तो इंट्रोज हो गया, और ये से जुड़ा हुआ है पेटल से, तो एपिपेटलस, एपिपेटलस डाइथीकस एपिपेटलस एंड्रोशियम। ये क्या है ओवरी, ट्राइकार्पलरी ट्राइलॉकुलर एक्साइल प्लेसेंटेशन, ईच लोक्यूल कंटेन टू ओव्यूल, देखिए दो ओव्यूल हैं, ठीक है, और ये कैसा हो गया ब्रैक्ट, फ्लावर कैसा है ब्रैक्टेट, ठीक है। ये मैंने आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना सिखाया। अब हम अगले इस वीडियो के अगले पार्ट में तीनों फैमिली की स्टडी करेंगे, इसको आप कम से कम 3 बार रिवाइज करेंगे, जिससे ये सारे सिंबल आपको ओरली याद हो जाएं, ठीक है। अगर ये सिंबल आपको ओरली याद हो गए तो फैमिली भी आपको हाथ के हाथ याद हो जाएगी, और अगर आपने सिंबल याद नहीं हुए तो फैमिली भी याद नहीं होगी। फैमिली को याद करने का तरीका ये है कि हम फ्लावर को अपने माइंड में रखते हैं कि फ्लावर कैसा है, और फिर उसको हम सिंबल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोरल डायग्राम था, ये फ्लोरल फार्मूला था। लास्ट में चलिए आप और हम क्या पढ़ते हैं, फ्लोरल फार्मूला एक बार और, यहाँ ब्रैक्टेट एक्ट्रोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलेक्स सेपल 5 गैमोसेपलस कोरोला पेटल 5 गैमोपेटलस एंड्रोशियम स्टेमन 5 एपिपेटलस गाइनेशियम पेंटाकार्पलरी ओवरी सिन कार्पस सुपीरियर, ओके। ई ब्रैक्टेट जायगोमॉर्फिक स्टेमिनेट या पिस्टिलेट कैलेक्स सेपल 5 पॉलीसेपलस कोरोला पेटल 5 पॉलीपेटलस एंड्रोशियम, है ना, और स्टेमन कितने हैं 10 है, और डाइडल्फस गाइनेशियम बायकार्पलरी सिन कार्पस इन्फीरियर, और ये निशान किसका है ओवरी एपोकार्पस सुपीरियर है। मैंने भी बताया था आपको, एक फ्लावर होता है एसिमेट्रिकल फ्लावर होता है जिसका नाम है कैना, फ्लावर कैसा है वो इरेगुलर फ्लावर है, है ना, एसिमेट्रिकल फ्लावर, एसिमेट्री पाई जाती है ना, कौन से फ्लावर में कैना में CANNA कैना फ्लावर में एसिमेट्री पाई जाती है। थैंक यू, आप मेरी इस वीडियो को
हाँ लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी करें, है ना, और सब्सक्राइब भी करें। मैं अगली वीडियो मिलता हूँ जिसमें मैं आपको तीनों फैमिली पढ़ाऊँगा, फैमिली है ना लेग्युमिनेसी है जिसकी सब फैमिली पेपलिनेसी और सोलेनेसी, और तीसरी कौन सी है, लिलियेसी, मोनोकॉट फैमिली है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।